मंचर। नमस्कार दोस्तों, कल मैंने एक फिल्म देखी, भारत। इस फिल्म के बारे में मैंने मेरे पिछले रिव्यू गॉडज़िला में बात करी थी, और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको गॉडज़िला फिल्म नहीं देखनी है क्योंकि वो फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी, तो आप जाके भारत देख लीजिए। और इस फिल्म को देखने मेरी काफ़ी सारी मिक्स्ड फीलिंग्स है, तो कुछ मेरे पॉइंट्स हैं और कुछ मेरी फीलिंग्स हैं जो मैं इस फिल्म के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग बात करते हैं जो कुछ चीज़ें थी इस फिल्म में डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए। मैं भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और इस फिल्म में ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था कि भाई ने अपनी शर्ट उतार के अपनी बॉडी नहीं दिखाई। ये मतलब भाई का एक रिचुअल है कि वो हर फिल्म में ये करते हैं, वो अपनी शर्ट उतारते हैं, अपनी बॉडी जो इतनी अच्छी वेल स्कल्प्टेड बॉडी है वो दिखाते हैं। लगता है कि भाई एक ग्रीक गॉड है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया इस फिल्म में। उन्होंने थोड़ी सी अपनी बॉडी दिखाई, सिर्फ शोल्डर्स और अपने डोले शोले दिखाए। मैं एक्सपेक्ट करता था कि अपने एब्स दिखाएंगे, पर चलिए ठीक है। दोस्तों, जो फिल्म की कहानी है वो सलमान खान के कैरेक्टर की लाइफ स्टोरी है, और सलमान खान का जो कैरेक्टर है भारत, उसने काफ़ी सारी जॉब्स अपनी ज़िंदगी में करी। तो उसमें से एक जॉब होती है जिसमें वो मर्चेंट नेवी में होते हैं, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो शिप पे होते हैं और समुद्री लुटेरे उनकी शिप को हाईजैक कर लेते हैं। इस पॉइंट पे जो सलमान खान की शिप होती है काफ़ी बड़ी होती है, और जो समुद्री लुटेरे हैं उनकी जो बोट होती है काफ़ी छोटी होती है। जब मैं ये सीन देख रहा था, मेरे को लगा था कि सलमान भाई तो मतलब अब इन लुटेरों पे अपनी बोट ही चढ़ा देंगे, फिर बोलेंगे अरे मैं तो नहीं कैप्टन चला रहा था। पर सलमान भाई ने ऐसा कुछ किया नहीं, इंस्टेड सलमान भाई ने इन लोगों को पीटा भी नहीं, और उनसे उनका नाच गाना करके बोल के कि अरे हम तो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन हैं, मामला ऐसे सुलटा दिया हल्के में। तो ये मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा। तो जो इस फिल्म की कास्टिंग चॉइस है वो काफ़ी वियर्ड है। ऑब्वियसली लीड रोल में सलमान खान ही होने थे, क्योंकि भाईजान की फिल्म है तो अब ऑब्वियसली भाई ही हीरो बनेंगे। और मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं भाई की एक्टिंग पे कुछ बोल सकूँ, पर अगर आप देखें जो कटरीना कैफ की एक्टिंग है तो वो बहुत ही घटिया थी। ना उसने कुछ एक्सप्रेशंस दिखाए, ना उससे डांस हो जाता, और सबसे बड़ी बात है उसकी जो एक्सेंट है या जो उसका डायलेक्ट है बोलने का, वो इतना ख़राब है कि साफ पता चल रहा है अरे इनको हिंदी बोलनी नहीं आती, पर इनसे बुलवाया जा रही है हिंदी या दोबारा डब किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कटरीना कैफ की जगह अगर दिशा पटानी उनका रोल करती और कटरीना कैफ दिशा पटानी का रोल करती तो काफ़ी अच्छा रहता। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस फिल्म के बारे में वो दोस्तों ये थी कि सलमान खान ने कैसे हर एक चीज़ करी ज़िंदगी में। मतलब वो ट्रेलर में ही बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रंगीन रही है, तो वो अरब जाते हैं, वहाँ से तेल का कुआं खोदते हैं, वहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं, उधर से बाहर निकलते हैं, वो उसके बाद मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करते हैं, और इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारे और काम भी करे हैं। तो ये देख के मुझे काफ़ी सही लगा कि ये फिल्म एक वन डायरेक्शनल फिल्म नहीं थी, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा डायमेंशंस थे जो सलमान खान के कैरेक्टर काफ़ी इवॉल्व करके दिखा रहे थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में। तो जो इस फिल्म में म्यूज़िक है वो मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं था। मतलब जो बात मुन्नी में थी वो बात इस फिल्म के गानों में नहीं थी। फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है जिंदा है वो मेरे को लगा थोड़ा अच्छा है और थोड़ा पंपिंग था, और काफ़ी क्लेवरली उसको यूज़ किया गया फिल्म में काफ़ी जगहों, तो मेरे को वो ही एक गाना है जो सही लगा। दोस्तों, इस फिल्म में जो स्टंट्स किए गए हैं, और स्टंट्स से मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, जो मौत का कुआ का स्टंट दिखाया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। काफ़ी अच्छे से उसको शूट भी किया गया, काफ़ी अच्छे से उसको दिखाया गया, और काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया। वो एक लेवल जहाँ पे वो बस मतलब उस लेवल पे पहुँच गए, पर वो उधर नहीं पहुँचे कि वो अनबिलीवेबल हो जाए। पर सलमान भाई क्योंकि भाई हैं वो, तो उन्होंने एक चीज़ करी जिसके बाद वो जो पूरा सीन था वो मेरे को लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, हज़म नहीं होगा। लेकिन अब ठीक है, अब भाईजान की फिल्म है तो इसमें ज़्यादा लॉजिक तो लगा नहीं सकते। ये एक और बात है दोस्तों इस फिल्म के बारे में जो एक प्री रिक्वेजिट है, अगर आप कोई भी सलमान खान भाईजान की फिल्म देखने जा रहे हैं तो आप अपना दिमाग घर पे रख के जाइए। आपको अपना दिमाग लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप फिल्म देखते रहें दिमाग लगाएंगे तो आपको फिल्म के मज़े नहीं आएंगे। इस फिल्म में ज़्यादा फाइट सीन्स नहीं है। यूजली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भाईजान की फिल्म है तो ऑब्वियसली वो थोड़ी मार पिटाई करेंगे, थोड़े गुंडों को पीटेंगे, पर इस फिल्म में ज़्यादा मार पिटाई नहीं है। जो एक फाइट सीन है वो काफ़ी एंड में आता है जब सलमान खान बुड्ढे हो जाते हैं। तो जब वो जवान होते हैं, जब वो समुद्री लुटेरों को पीट सकते थे तब तो वो उनके साथ नाच गाना करके आ जाते हैं, और जब वो बुड्ढे हो जाते हैं तो फिर वो बाइक वाले मुस्टंडों को पीटते हैं। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं रेटिंग पे। तो इस फिल्म के एक्शन के लिए मैं दूंगा इसको 5 में से 3 स्टार, और इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए मैं दूंगा इसको 5 में से 3 स्टार, इस फिल्म के म्यूजिक के लिए मैं दूंगा इसको 5 में से 2 स्टार,
और ओवरऑल मैं इसको दूंगा 5 में से 2.5 स्टार। मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको मज़े करने हैं वीकेंड पे, आपको जाके कोई ऐसी फिल्म देखनी है जहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, बस आपको कुछ चलचित्र देखने हैं, तो आपको ये देखने में बहुत मज़ा आएगा। पर अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के फ़ैन हैं और आपको ये लगता है कि भैया हम तो हर फिल्म को देख के उसको एनालाइज करेंगे कि इस शॉट में ये हुआ और इस फिल्म में ये हुआ, तो आपको ये फिल्म शायद पसंद ना आए, आपको शायद ये फिल्म पसंद आ जाए, क्योंकि इसमें भाईजान है और भाईजान की फिल्में तो सबको पसंद आती हैं। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का रिव्यू फिल्म भारत पे। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए भाईजान रॉक्स, और अगर आपको ये फिल्म अच्छी नहीं लगी तो आप जाके कोई और फिल्म देख लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग काफ़ी सारा कंटेंट बनाते हैं जो सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों पर नहीं पर हॉलीवुड फिल्मों पर भी आता है, गेम ऑफ थ्रोन्स और बाकी टीवी के सीरियल्स पे भी हम लोगों ने काफ़ी कंटेंट बनाया है। तो आप हमारा चैनल ज़रूर चेकआउट करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करिएगा।